अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8th सब्जेक्ट हिस्ट्री का टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसमें मैं आपको तीन फेजेस पढ़ाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेट ड्यू टू नेट प्रॉब्लम और स्पीड कम होने की वजह से जो इसके इंडियन नेशनल मूवमेंट के तीन फेज हैं वो तो मैं एक ही लेक्चर में नहीं पढ़ा सकता हूं। तो मैं बताऊंगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था, व्हाई इंडियन स्टार्ट दिस मूवमेंट, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब बात की जाती है तो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1817 से शुरू होती है टिल टू 1947 तक, 1870 से शुरू हो जाती है और 1947 तक, क्योंकि इंडियंस के जो लोग थे या इंडियन के हिंदुस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने ये मूवमेंट क्यों शुरू की, क्या रीजंस बने कि हिंदुस्तान वालों को ये मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ी। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, इंग्लैंड से आए थे, तो वो एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग पर्पज के लिए आए थे, मतलब ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वो ट्रेड करने के लिए आए थे। बट अनफॉर्चुनेट क्या होता है कि वो ट्रेड के साथ साथ उनकी जो कंपनी थी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड के साथ साथ वो क्या करते हैं यहाँ इंडिया में, वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव में इंटरवेन करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स में टांग अड़ा देते हैं हिंदुस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स में। और आफ्टर ऑल कि जब इंडियंस को लगा कि वी आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की एंड दैट मूवमेंट वाज नोन एज इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये मूवमेंट इसलिए भी हम कह सकते हैं, अगर फैक्टर्स देखें, सबसे बड़ा फैक्टर जो देखते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो वाला फैक्टर मैं मानता हूं कि इसमें फैक्टर्स नहीं दिए गए हैं कि विच फैक्टर्स, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडियंस ने इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की, बट मैं समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ये था कि इकोनॉमिकली इंडियंस को एक्सप्लॉयट किया जाता था, ठीक है ना। तो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जो इंडियंस थे वहां पे ज्यादा पॉवर्टी थी, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है ना। तो इस पॉवर्टी की वजह से क्या होता था, स्टारवेशन होता था, लोग भूखे मर जाते थे, ठीक है ना, तो भूखे मर जाते थे। ये कुछ रीजंस थे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली जो ये इंडियन थे उनको एक्सप्लॉयट किया जाता था, या पॉवर्टी थी, पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, तो इन चीजों की वजह से हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे किन के लिए, कि हिंदुस्तान वालों ने क्या एक मूवमेंट स्टार्ट की, दैट मूवमेंट वाज नोन एज एन इंडियन नेशनल मूवमेंट। और जब इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई तो बुक में कहा जाता है कि 1870 से स्टार्ट की गई, बट अगर हम आगे जाके देखते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि नहीं, दिस मूवमेंट वॉज एक्चुअली स्टार्टेड इन 1885 टिल 1947 तक, जब तक हिंदुस्तान ने 1947 में आजादी हिंदुस्तान ने हासिल की, ठीक है ना, 1885 टू 1947। अब बात है कि 1885 क्यों दिया गया, 1885 इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वो वक्त था जब इंडिया के लीडर्स एक साथ होके एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है INC। INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो जाती है हिंदुस्तान में इन 1885, ठीक है, इंडियन लीडर्स इसको सेटअप करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को इन 1885। और जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया उसका नाम था ह्यूम। ए यू ह्यूम कौन थे, इनका पूरा नाम है
एलैन, ALLEN, एलैन ऑक्टवैन ह्यूम, ठीक है ना, एलैन ये लिखा मैंने, एलैन ऑक्टवैन, VIAN, VIN, एलैन ऑक्टवैन ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलैन ऑक्टवैन ह्यूम, इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करते हैं एलैन या AU ह्यूम जिसको हम कहते हैं सिंपल से वर्ड में। तो इसका मकसद क्या होता है, ताकि इंडियन उसको अवेयर करना कि आपको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया जाता है, सोशली पॉलिटिकली, मतलब हर एक लिहाज से, ठीक है ना, आपको क्या किया जाता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेब्लिश होना इसीलिए ताकि लोगों को अवेयर करना, ठीक है ना। तो 1885 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और कौन बनाता है, एलैन ऑक्टवैन ह्यूम। और एलैन ऑक्टवैन ह्यूम कहाँ के थे, ये एक इसका भी बता देता हूँ, ये एक सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ठीक है ना। तो किन के, ब्रिटिश के, तो इंडिया की हेल्प करते हैं किसमें, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने में, दैट ऑर्गेनाइजेशन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेटअप इन 1885। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी इन 1885 में, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है ना। तो पहले प्रेसिडेंट इसके WC बैनर्जी थे, ठीक है। तो जब इसकी पहले इसकी तीन मीटिंग जल्दी जल्दी हेल्ड हो जाती हैं, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट मीटिंग, और जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट सेशन भी, फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन, ठीक है ना, एंड थर्ड सेशन, ठीक है ना, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन एंड थर्ड सेशन। फर्स्ट सेशन कब हो जाता है, 1885 में, उसके बाद सेकंड सेशन 1886 में, और उसके बाद थर्ड सेशन, ठीक है ना, 1887 में। मैं जगह का भी नाम लिखूंगा कि कहाँ कहाँ पे ये मीटिंग हेल्ड हुई, ठीक है ना। तो पहली जो मीटिंग हुई, या पहला जो सेशन था, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद ये मिले, तो बातचीत करनी थी रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ द इंडिया। तो पहली बार ये बम्बई में मिले, BUMBAY बम्बई में मिले, ठीक है ना। तो बम्बई के बाद दूसरी जगह, दैट इज नोन एज ए कलकत्ता, एंड थर्ड प्लेस, दैट इज नोन एज ए मद्रास, MADRAS, मद्रास, ये तीन है। और जब पहली बार ये मिले, कब, जब इन फर्स्ट सेशन, उस दिन जब 1885 ईयर, तो उस दिन कितने डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स, DLEGATS डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ये रही ये बात, ठीक है ना। तो समझ आया, ठीक है। तो ये पहली बात थी इसके बारे में कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या थी, मतलब क्यों शुरू हुई, ठीक है। तो 1885 से अगर ये शुरू हुई तो क्यों हुई, क्योंकि इस दिन एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो जाती है, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सेटअप करने वाला कौन है, AU ह्यूम, 11 अक्टूबर ह्यूम, जिसको एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ब्रिटिश के थे। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने, WC बैनर्जी। इसके तीन सेशन हेल्ड होते हैं, तो फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन। फर्स्ट सेशन 1885, तो सेकंड सेशन 1886, एंड थर्ड सेशन 1887। पहला मुंबई में, दूसरा कलकत्ता में, एंड थर्ड वन इन एट मद्रास, ठीक है ना। तो ये इतना था। इसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, एक्चुअली इंडियन नेशनल मूवमेंट के तीन फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं, तीन फेजेस होते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। मैं इतना ही बता देता हूं आज, इंडियन नेशनल मूवमेंट के तीन फेजेस हैं। कितने हैं, तीन फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज इंडियन नेशनल। और स्टार्ट कब होती है, अब हम लिखते हैं कि ये 1885 टू 1947 तक, ठीक है ना। तो 1885 से लेकर 1905 तक, 1905 तक, दिस इज नोन एज अ फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज, ठीक है, दिस इज नोन एज अ फर्स्ट फेज। एंड फ्रॉम 1906, ठीक है, 1906 टू 1916, 1906 से लेके 1916, दैट इज नोन एज अ सेकेंड फेज, टू एन डी पी एच ए एस सी फेज। एंड
फ्रॉम 1916 और वी कैन से फ्रॉम 1917 टू 1947 ये थर्ड फेज था, ठीक है ना, थर्ड फेज था और ये वो फेज था, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो पहला फेज 1885 टू 1905 तक, ठीक है, सेकंड फेज 1906 टू 1916 तक, ठीक है, 1917-1947 थर्ड फेज, जो फर्स्ट फेज दैट फेज इज नोन एज MODERATE मॉडरेट फेज, ठीक है ना, और सेकंड फेज दैट इज नोन एज EXTREMIST एक्सट्रीमिस्ट फेज, और वी कैन से दैट ऑल्सो नोन एज अ फेज नोन एज रेडिकल फेज, एंड थर्ड फेज इज नोन एज GHANDIAN गांधीयन एरा, ये थर्ड वाला फेज था, ठीक है, और गांधीयन एरा 1917 से शुरू होता है 1947 तक, और इसके लीडर्स भी बताऊंगा कौन थे, इसके लीडर्स भी बताऊंगा, और इसके तो लीडर्स हैं ही नहीं क्योंकि इसमें भी सभी लीडर्स थे, ऑब्वियसली सब लीडर्स काम कर रहे थे, बट मैं ये कह सकता हूं अंडर द सुपरविजन, सुपर मीन्स ऊपर विजन, मीन्स देखना अंडर द सुपरविजन ऑफ गांधी, गांधी जो कुछ कह रहा था वही हो रहा था एट दैट वेरी टाइम। मॉडरेट फेज में जो लीडर्स थे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन एक बनी थी IMC, तो AU ह्यूम होंगे ही इसमें मॉडरेट फेज में। सेकंड पॉइंट दैट इज, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ठीक है, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट लीडर्स आ सकते हैं एग्जाम में, पूछा ही पूछा जा सकता है कि मॉडरेट लीडर्स कौन थे, ठीक है, AU ह्यूम थे, WC बैनर्जी प्रेसिडेंट वहां बने थे, तो ऑब्वियसली ये यहां होंगे, ठीक है, तो थर्ड दैट इज नोन एज SURED सुरेंद्र नाथ बैनर्जी BANARJEE बैनर्जी, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले एंड फोर्थ वन सेकंड फिफ्थ सॉरी फिफ्थ वन दैट इज पंडित PANDIT पंडित मदन मोहन MEDN मदन मोहन MALAVI मालविया, और उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी के बाद दादा बाई नरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को क्या कहते हैं, ऊपर मैंने लिखा, इसको कहते हैं सुरेंद्र वाज कॉल्ड द इंडियन ब्रूक, ठीक है ना, तो ये इनको नाम दिया गया, ठीक है, तो उसके बाद गोल्ड ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन जिसको कहते हैं ऑफ इंडिया दादाबाई नरोजी, तो एक नंबर का क्वेश्चन मत पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो दादाबाई नरोजी की और एक और बात भी कहता हूँ कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की भी एक बात बता देता हूँ कि ही वॉज रिगार्डेड एज द पोलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, ये पोलिटिकल गुरु किसके थे, गांधी के पोलिटिकल गुरु थे। चलो उसके बाद जस्टिस JUSTIS जस्टिस रंडे, तो उसके बाद जी सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, अब कौन कौन आए, AU ह्यूम, WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, पंडित मदन मोहन मालविया, सुरेंद्रनाथ तैयब जी, दादाबाई नरोज, जस्टिस रंडे और लास्ट जी सुब्रमण्य अय्यर। और उसके बाद सिंपल सी, अगर सिंपल सी मतलब सिंपल से वर्ड्स में मैं बताऊंगा कि सिंपल वर्ड्स में अगर इनको याद रखना है तो सिंपल से वर्ड्स में याद रखना LAL लाल, BAL बाल, PAL पाल एंड AURBINDO अरबिंदो GUSH घोष। अब आप समझोगे बताओगे कि ये लाल बाल पाल क्या है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर TILAK तिलक एंड बिपिन चंद्रा पाल, तो ये थे। इसके बाद गांधी नेरा आता, ठीक है, ये इसके लीडर्स थे, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल मॉडरेट लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। और उसके बाद गांधी थर्ड फेज 1970 शुरू होता है, तो गांधी फेज है। गांधी के बारे में इतना बताऊंगा कि ये नॉन वायलेंट थे, वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे, ये कहते थे कि बातचीत से मसला हल किया जा सकता है, ठीक है,
क्योंकि ये वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में यही है कि गांधी जी नॉन वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे, नॉन वायलेंट थे, कहते थे कि बातचीत से ही मसला हल कर किया जा सकता है। तो आगे भी इसके बताऊं, क्योंकि जो कुछ भी इसके बाद होता है 1970 के बाद, वो गांधी के ही कहने पर इंडिया में होता है। तो कल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं बता दूंगा कि मॉडरेट के डिमांड्स क्या थे, मॉडरेट के डिमांड्स क्या थे और इन्होंने अचीवमेंट क्या की, ठीक है। अचीवमेंट डिमांड्स क्या थे मॉडरेट्स के और अचीव क्या किया, ठीक है। और उसके बाद अगर मॉडरेट्स आए थे तो एक्सट्रीमिस्ट को क्यों आना पड़ा, ये रीजन है। अगर मॉडरेट्स आए थे तो एक्सट्रीमिस्ट को क्यों आना, इसका मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे कि मॉडरेट्स फेल हो गए क्योंकि वो ब्रिटिश से वो कुछ हासिल नहीं कर पाए जो उन्हें हासिल करना चाहिए था, उसकी वजह से कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट को आना पड़ा, रेडिकल्स को आना पड़ा। इनकी डिमांड्स क्या थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने और अचीवमेंट इन्होंने क्या की, ठीक है। फिर बाद में जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है या पहली जो हम लड़ाई कैसे हैं कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से 1970 के बाद जब गांधी आए तो इंडिया पहुंच के कहते हैं 1960 में आए तो एक साल, पूरे एक साल गांधी हिंदुस्तान में घूमते रहे, तो मतलब देखते रहे करंट पोजीशन ऑफ द इंडिया, लोग पॉवर्टी की वजह से मर रहे हैं, स्टार्वेशन, भूखे मर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एक पूरा साल गांधी को घूमने में लगा, हिंदुस्तान का मुआयना करने में लगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है हिंदुस्तान की। तो उसके बाद मैं ये कहूंगा कि पहली जो लड़ाई गांधी ने लड़ी उनमें से सबसे बड़ी लड़ाई थी चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात, सॉरी हाँ खेड़ा गुजरात, खेड़ा मीन्स गुजरात सत्याग्रह, और वी कैन से दैट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद रवलेट एक्ट होता है, ठीक है, विच आर ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक एक्ट, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो कुछ भी होता है, या जलियांवाला बाग, वो तो गांधी के ही फेज में होता है, गांधी के फेज में। जो वो आगे जाके हम पढ़ते हैं कि मॉडरेट्स के डिमांड्स क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट के डिमांड्स क्या थे और गांधी ने क्या अचीव किया। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास।